7 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की डाउस आमद पर पुतपाक इस्तकबाल, 3 दिन में 70 सनती वफूद और नुमाइंदों से मुलाकात प्रोग्राम में शामिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अजलास में शिरकत के लिए आज डाउस पहुंच गए हैं। रेवंत रेड्डी इतवार की रात देर गए नई दिल्ली से डाउस के लिए रवाना हो गए थे। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के फौरी बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अजलास में शिरकत का दावतनामा दिया गया था। रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वीं सालाना अजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसका आगाज हो चुका है। ये कॉन्फ्रेंस जुमा तक जारी रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना में सरमाकारी के मौके से वाकिफ करवाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के जरिए रियासत के लिए मुख्तलिफ शोबे जात में सरमाकारी हासिल की जा सकती है। अपने मसरूफ तरीन दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर और वजीर सनत 3 दिन में तकरीबन 70 सनती नुमाइंदों और वफूद से मुलाकात करेंगे। इस बात की कोशिश की जाएगी कि रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया हासिल किया जा सके। डाउस रवानगी से कबल वजीर सनत सिरदर बाबू ने एक बयान में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि ये दौरा ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और मालियाती इदारों के साथ शराकत दारी मुमकिन हो सके। फोरम की जानिब से रेवंत रेड्डी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कांग्रेस सेंटर में खिताब के लिए भी मदऊ किया गया है और वहां वो निगहदार सेहत के शोबे पर होने वाले पैनल मुबाहसे में भी रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फूड सिस्टम एंड लोकल एक्शन अजलास में भी शिरकत करेंगे। ज़रई शोबे से मरबूत माशियत पर माहौली तब्दीली के असरात पर इजहार ख्याल करेंगे। डाउस में लगातार मसरूफियत के बाद चीफ मिनिस्टर लंदन रवाना होंगे। वहाँ भी हिंदुस्तानी बरादरी से मुलाकात के अलावा कुछ सरमाकारों से मुलाकातें की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7 न्यूज़।